वेलकम बैक टू डीपीएस लाइव कैप्चर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से मिल रहे हैं। आज है ट्यूसडे एंड ट्यूसडे के दिन आज है ब्रदर्स डे। सभी जो भी मेरे भाइयों देख रहे हैं, सब लोगों को हैप्पी ब्रदर्स डे एंड हैप्पी ब्रदर्स डे आशू, मेरा छोटा भाई। तो फ्रेंड्स, आज मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ, तो चलिए उनसे मिलते हैं। सो गाइस, ये देखिए मेरी नानी। सो नानी आज इतने दिनों के बाद घर आए। नानी बेसिकली हरिद्वार चले गए थे, मतलब एक मंथ के लिए कुछ तीर्थ यात्रा में चले गए थे। सो हरिद्वार से नानी बहुत सी जगह घूमे, थोड़ी बीच में तबीयत भी उनकी ख़राब हो गई थी। तो अभी जो पूर्णिमा गया उसके बाद नानी आए उड़ीसा। तो आज नानी घर पर आए, मतलब नानी साल भर तक घर में नहीं आते, मतलब थोड़ा सा मम्मी का मन होता है तो जाके देख के, मतलब बिल्कुल पास में ही है घर, लेकिन आ नहीं पाते। ये मम्मी नहीं जा पाती, आप नानी भी नहीं आ पाते हैं। तो आज फाइनली नानी बहुत दिन के बाद आई घर में। और नानी सब क्या सब चीज़ें लेके आएंगे मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। जय जगन्नाथ। तो नानी को मतलब हिंदी समझ लेते हैं, मतलब बाहर जगह घूमते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो हिंदी वगैरह सब समझ लेते हैं, लेकिन मतलब बोल नहीं पाते अच्छे से, बहुत थोड़ा थोड़ा ही बोलते हैं। तो इसलिए नानी थोड़ा सा शर्मा रहे थे कि मैं क्या बोलूं। तो ये है मेरी प्यारी सी नानी। आज आने वाले हैं। एक्चुअली आंटी आए थे सैटरडे में, पूरा दिन रुके थे लेकिन मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। ये देखिए ये सानवी। सानवी तो सानवी चाय बिस्किट खा रही है। ये कौन है सानवी? बड़ी नानी बोल दो। नहीं बड़ा पास और नहीं तक हेलो सानवी, हाय गाइस बोल दो। हाय गाइस बोलो सानवी। हाय गाइस बोलो। हाउ आर यू? डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बोला आज बहुत दिन के बाद कैमरा में कुछ बोली, क्योंकि आप सबको पता है सानवी बेबी बहुत मूडी है। तो यहाँ पे देखिए नानी को थोड़ा सा चाय दिया था मैंने, उसमें भी सानवी बिस्किट डाल के खा रही है। इधर बैठो, आ जाओ बाबू नानी के पास बैठो, आ जाओ बड़ी नानी के पास बैठो। नानी का खत्म हो गया चाय? चाय नहीं है बाबा, चाय भी होनी चाहिए। मम्मा यहाँ पे आ जाते ना, हम लोग फोर्थ जनरेशन हो जाते यहाँ पे। मम्मी तो इस हालत में नहीं है कि वो कैमरा के सामने आ जाए, मम्मी हमेशा गंदी होके बैठती है। सो यहाँ पे हम लोग चार बैठ जाते ना, चार फोर्थ जनरेशन हो जाते। सबके थ्री जनरेशन होते, हमारा फोर्थ जनरेशन हो जाएगा। सो मैं आंटी अंकल से थोड़ी देर के बाद मिलवाऊंगी, क्योंकि आंटी आ जाने वाले हैं थोड़ी देर में ही। सो चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आप सबसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। सो दया आए थे तो हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए तीनों, एंड सानवी बेबी को भी आज साथ लेके आए हैं, क्योंकि सानवी बेबी भी घर पे बहुत इरिटेट हो रही थी, तो उसको थोड़ा सा माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए लेके आए थे शॉपिंग के लिए। आज सानवी बेबी बहुत दिन के बाद शॉपिंग के लिए निकली है, तो चलिए चलते हैं शॉपिंग। ना गुड।
बारिश तो शॉपिंग कर लिया है मैंने एंड अभी जाने वाली हूँ घर। दया और सांदी जा रहे हैं सो आवाज़ थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा अच्छे से, तो मैं घर पे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मामा जी आए थे नानी को लेने के लिए, तो मामा मम्मी नानी सब बाहर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही थी। सो बारिश में भीग ना जाए इसलिए मामू थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे। एंड बिल्कुल पास में ही घर है लेकिन क्या होता है ना, सब बिजी रह जाते हैं अपने काम में, बहुत कम मिल पाते हैं। आज ब्रदर्स डे में ब्रदर्स के लिए कुछ स्पेशल तो बनता ही है। सो मेरा भाई इतना तो डिमांडिंग कुछ भी नहीं है उसका, मैं सोच रही हूँ कि आज उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना बनता ही है। सो इससे पहले मैं शॉपिंग वगैरह जाके आ चुकी हूँ जैसे कि आप सबने पहले देखा ब्लॉग में, एंड मेरे नानी से भी मतलब मिलवाई आप सबको। मेरे नानी बहुत दिन के बाद आई थी, नानी से भी मिलवाई आप सबको। एंड मेरे आंटी अंकल आने वाले थे, मेरे मौसा एंड मासी, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी यहाँ पे।
सो हम लोग भी बारिश में भीग गए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबने देखा पहले वाले क्लिप में कि बारिश हो रहा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। सो आज मैंने शॉपिंग में क्या क्या सब खरीदा है वो आपको मतलब अच्छे से क्लियरली मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन मैं जो परचेस की हूँ वो अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं सब क्या क्या लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज मैंने क्या शॉपिंग किया, वो भी मैक्स कलेक्शन से। तो चलिए देखते हैं। आप बहुत दिन के बाद मम्मी से मिल रहे हैं। Hi guys. तो मेरी नानी चली गई है, मामा जी लेने आए थे, और हम मामा जी से मतलब थोड़ा डरते हैं। मतलब मामू बहुत फ्री है, मतलब हम मामू बुलाते हैं, मामू बहुत फ्री है, लेकिन क्या होता है ना, मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट, एज ए रिस्पेक्ट अभी भी क्या होता है ना, हम लोग मामा जी के सामने से थोड़ा सा झुक के बात करते हैं। मतलब ये बचपन से ऐसी हैबिट है हमारा। तो मामा मामी मेरी बहुत फ्री है, मतलब बहुत फ्रेंडली है, बट थोड़ा सा जो रिस्पेक्ट जो होता है ना इस टाइप का, तो मैं मामा जी के सामने नहीं गई, तो मतलब ऐसे ही होता है। तो ये देखिए मैंने आज क्या क्या शॉपिंग है, मम्मी अभी खोल के देख रहे हैं सारा चीज़। तो ये दिखाओ मम्मी, ये किसका है? ये शायद दया का है। ये देखिए ये है दया का, नहीं दोनों के लिए सेम है, दोनों भाई के लिए सेम सेम है। हाँ दोनों के लिए सेम सेम ड्रेस है, दोनों का एक्सेल ही है, पता नहीं चल रहा है किसका है। नहीं मतलब दोनों के लिए सेम, एक्चुअली दया को ये बहुत पसंद आया मटेरियल, तो पहले उन्होंने आंसू के लिए चूज किया क्योंकि आज ब्रदर्स डे है, तो इसीलिए हमने आंसू के लिए ये वाला चूज किया था, लेकिन दया को भी ये पसंद था तो मैंने ये दया को गिफ्ट दिया। सो ये दया ने आंसू को गिफ्ट दिया। एक्चुअली लूज फिटिंग थोड़ा सा लेके आए हैं, दोनों का एल साइज है लेकिन थोड़ा सा लूज फिटिंग लेके आए हैं। सो सेम हो गया दोनों भाई का, सेम सेम ट्विनिंग करेंगे, जो ट्विनिंग बोलते हैं ट्विनिंग होगा। सो ये सानवी के लिए इसका सेट है, एक्चुअली इसका वो वाला ग्रे वाला, हाँ सो इसका सेट है एक्चुअली समर के लिए, ये बहुत बेस्ट रहता है। तो ये है सानवी का सेट, साइड कर दो मम्मी। सो ये एक लाइट येलो कलर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक टी शर्ट, सब टीज ये लेके आई हूँ मैं, तो ये एक टीज है, इसका पेंट नहीं, इसका नहीं वो वाला, उसका पेंट है इसका एक्चुअली, इसका एक न्यू वाला जो पजामा है, तो इसलिए मैं लेके नहीं आई हूँ इसका, तो ये सिंगल पीस लेके आई हूँ। सन एंड हैट समर के लिए बेस्ट है। सो ये सानवी के लिए, ये मुझे सबसे अच्छा लगा, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब लाइट वॉलेट टाइप का कलर है, बहुत स्वीट है, मतलब कलर इतना प्यारा है। सो ये सानवी के लिए है, और इसका ये सेट है, ये इसका लेगिंग है इसके साथ, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही हल्का महसूस होगा, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, ये समर कलेक्शन ही है। तो इतना ही मैं लेके आई हूँ फ्रेंड्स, और मैंने अपने लिए बहुत सारे ड्रेसेस लिए हैं। सो मैं अब कभी किसी और दिन में इसका जो मेरे ड्रेस के कलेक्शन दिखाऊंगी। सो ये था आज का मेरा शॉपिंग, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी फ्रेंड्स, तो इसलिए हम लोग जल्दी से गए एंड जल्दी से आ गए, हम लोग थोड़ा सा भीग भी गए, तो इसीलिए मतलब ज़्यादा शॉपिंग कुछ नहीं हो पाया, नहीं तो मैं अपने लिए भी और कुछ शॉपिंग करती, लेकिन वो शॉपिंग वगैरह हो नहीं पाया। तो आज सिर्फ इतना ही था, क्योंकि आज ब्रदर्स डे था तो मेरे भाई के लिए कुछ ख़रीदना था, तो एक साथ दया एंड सानवी का भी हो गया। तो मैं कब से सोच रही थी दोनों के लिए ख़रीदने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं हो पा रहा था, एंड टाइम हो भी रहा था तो मैं कुछ अलग ही प्लान कर रही थी। सो ये देखिए ये लेके आए थे नानी, तो ये पीतल का है, ब्रास का है। सो ये श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद है, भोग है, इसको खाजा बोलते हैं। एंड ये जो माला है ये मेरे सानवी के लिए है, एंड ये जो दो बैंगल्स है ये है मेरे लिए, मेरी नानी लेके आए थे, और ये है मम्मा के लिए। एंड ये पीछे जो है ये मामू लेके आए थे सानवी के लिए। तो ये फाइनली हो गया फ्रेंड्स, तो आप सब ने देखा आज का ब्लॉग, एंड आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो और जो चैनल पे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, एंड चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं आज।
तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय मम्मी, बाय। तो चलिए थोड़ा सा सानवी को दिखाती हूँ। सानवी अभी बाहर है, वो अपने फ़ोन में बिजी है। तो ये देखिए बेबी सानवी। Good girl. Sunday. Monday. Monday.